पेपरेफ और मैं आज बनाने जा रही हूँ लॉबस्टर्स। और मेरे पास बहुत ही खूबसूरत किस्म के दो बड़े से जाइंट से लॉबस्टर्स हैं। अब मैंने इनको ऊपर से कट कर लिया है। मैं इसका मीट जो है वो बाहर निकालूंगी और उसमें थोड़े से स्पाइस लगा के फिर इसको मैं ग्रिल करूँगी। ठीक है, मैंने इसको साइड से ओपन कर दिया है और इसको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है और ऐसे इसका मीट बाहर निकालना है। सी इट्स एम्प्टी नाउ और इसके मीट को मैं ऊपर सेट कर दूंगी। तो यू कैन सी मैंने इसका जो मीट है वो बाहर निकाल के रख दिया है, अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब इस पर मैं इसकी जो सीजनिंग है वो अप्लाई करूँगी। सीजनिंग के लिए मैंने बटर मेल्ट कर लिया है और मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक एंड हर्ब्स पाउडर और क्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर एंड सी सॉल्ट। ओके, मैं ये सारी चीज़ें बटर में ऐड करूँगी और फिर इसको अप्लाई करूँगी। सीजनिंग मैंने रेडी कर लिया है, मैं इसको ब्रश से लॉबस्टर के मीट में अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह लगाएं। ये डन हो चुकी है। अब मैं इसको एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स के लिए इसकी सीजनिंग के साथ छोड़ दूंगी और जब तक मैं इस ग्रिलर को हॉट कर दूंगी इसको ग्रिल करने के लिए। इसको ग्रिल करने के लिए मैंने अपना ग्रिलर बहुत हॉट कर लिया है। मैं इसमें बटर अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आई एम पुटिंग माय लॉबस्टर अपसाइड डाउन क्योंकि मुझे मीट कुक करना है। मुझे सर्व नहीं कुक करना है। I will close this lid, the griller lid. काफ़ी मैंने मतलब पेज ओपन किया है, ये देखें बहुत प्यारा कलर आ गया है। इसे मतलब थोड़े से और बटर लगा रही हूँ। मैंने इसमें कॉरिएंडर और ब्लैक पेपर क्रश ऐड कर दिए। यू कैन सी मेरे दोनों जो लॉबस्टर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। कुछ भी यम्मी बटरी